आपके साथ भी हो। हमारे लिए मसीह खुदावन की पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ग्यारहवें बाब में से 19 से 27 आयत। उस वक्त बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दे। मार्था ने जो है सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा कि ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी तू जो खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उसे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। और मार्था ने कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर में क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं, जो मुझ पर ईमान लाता है अगर चे वो मर गया तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी कि तू अलमसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ हो जाए।
नमस्कार। आपके साथ ही वादे उतरे खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आपके द्वारा हमेशा तक सबके साथ।